नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आज के प्रेरक प्रसंग में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर रोज एक प्रेरक प्रसंग लेकर आते हैं, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके कि हमें जीवन में किस राह पर चलना है। आज के हमारे प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है द्वेष का प्रभाव। साथियों, बहुत समय पहले की बात है कि एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार चल निकला, लेकिन उसने रुपए अपने ससुर जी को लौटाए नहीं। इससे उसके ससुर जी के मन में द्वेष का जन्म हो गया। सारा स्नेह और प्रेम जाता रहा, आखिर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा और द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर और आलोचना करने लगा। निंदा से उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान मिल नहीं रहा था। आखिर वो एक संत के पास गए और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उन संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे ही हुई है, मुझे क्षमा कर दो। इस पर उस साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। इस पर संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99%, लेकिन भूल दोनों तरफ से होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? इस पर उन संत श्री ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा। अपनी इस भूल से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। ये सुनकर साधक की आंखें खुल गईं। संत श्री को प्रणाम करके वो अपने दामाद के घर पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा उनके दोहते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वो अवाक सा खड़ा रह गया और खुशी से झूम कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो तो नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी, आहा 15 वर्ष के बाद आज पिताजी आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल ना सकी। साधक ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा और प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, सब चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया,
अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। इस पर दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपये नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी, कृपा करके आप ये रुपये ले लीजिए। साधक ने दामाद से रुपये लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी और नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुँचे। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा सब मिट गए और उसके अंदर असीम शांति आ गई। तो साथियों, इस प्रेरक प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी द्वेष की भावना अपने मन में ना रखें और क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप क्षमा मांग लेते हैं तो आप न केवल सामने वाले को बल्कि खुद को भी तनाव मुक्त कर देते हैं, चिंता मुक्त कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।